And if you ain't talking better then I'm a तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, उस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ब्लर दिखा, उसके बाद वीडियो आपको कभी फर्स्ट होता हुआ दिखा, कभी स्लो मोशन होता हुआ दिखा, फिर फर्स्ट होता, फिर स्लो मोशन होता हुआ आपको इफेक्ट देखने को मिला, और बीच बीच में आपको कई सारे इफेक्ट भी आपको देखने को मिले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वाले वीडियो को मैं कैपकट ऐप पर बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाला हूँ। इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखिए। आप अगर इस तरह का वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो साथियों आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो सकता है। तो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको बस एक वक्त करके वीडियो को शूट करना है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रोहित भाई के इस वाले वीडियो को दिखा रहा हूँ। देख सकते हो रोहित भाई कितना मस्त वक्त करके यहाँ पर वीडियो को शूट कर रहे हैं। आप भी अपना वीडियो को इसी तरह से यहाँ पर शूट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके। चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो को एडिट करने के लिए बीटा ऐप को ओपन करना होगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में बीटा ऐप पहले से इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बीटा का जो ऐड है यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। सो गाइस, आपको इसको इग्नोर करना है। अब फर्स्ट टाइम अगर आप बीटा ऐप को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा और ये जो बीटा का वाटरमार्क है इसको आप ऑफ कर दीजिएगा, इससे आपके वीडियो में वाटरमार्क नहीं आएगा। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ से दोस्तों अभी आपको अपना जो वीडियो है उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आइएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो रोहित भाई का मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। अब साथियों आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। वापस से आप इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करो कुछ इस तरह के आपके सामने यहाँ पे इफेक्ट शो हो रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे स्लाइड करके ब्लिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर चले जाना होगा। जाकर आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो होल ब्लर, जिसको आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का होल टाइप का आपको ब्लर दिखेगा। दूसरा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है, देख सकते हो ये डायमंड कट वाला यहाँ पे ब्लर है, ये भी ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। अब अपने वीडियो के हिसाब से जो भी रखना चाहते हो उसका आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपने यहाँ पे कुछ इस तरह से जो डायमंड वाला है इसी को मैं रखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर लूँगा। अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा फैलाइएगा, ठीक है। फैलाने के बाद साथियों वीडियो को अभी आपको प्ले करना है, और ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट का जो ड्यूरेशन है 3.6 सेकंड के लिए आपको करना होगा। इस तरह से देख सकते हो मैंने यहाँ पर जिस तरह से दिखाया है सेम टू सेम आप इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद साथियों अभी आपका स्टेप वन का काम यहाँ पे हो चुका है, मतलब बीटा ऐप के अंदर आपको बस ये वाला इफेक्ट आपको अप्लाई करना होगा और कुछ काम यहाँ पर करना है नहीं। अब आपको यहाँ पे 1080 वाले ऑप्शन में जाना होगा। फ्रेम रेट को 60 में रख के आप अपना वीडियो के यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब गाइस, आपको यहाँ पर वीडियो को फर्स्ट स्लो मोशन करने के लिए आपको VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करना होगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। अब आपको इस वाले प्लस के मार्क पे क्लिक करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके जो वीडियो आपने बनाया है उस वाले वीडियो को आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद साथियों वीडियो को आपको प्ले करना होगा, और जहां तक आपका इफेक्ट होता है उतना पार्ट में आके बाकी गाइस एक्स्ट्रा जो पार्ट बचेगा उसको गाइस अभी आप यहाँ पर पहले आपको स्प्लिट करना होगा, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर हटा लीजिएगा। हटाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बस स्प्लिट ही करना, मेरे गलती से मुँह से निकल गया। अब आपको ये वाला जो पार्ट है इसको गाइस आपको फर्स्ट स्लो मोशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पे जाइएगा। ये वाला जो कर्व वाला ऑप्शन है इसको, ये जो डॉट दिख रहे होंगे इनको बीचों बीच में आपको आके आपको ऐड स्टोरी पे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ इसको ऐड स्टोरी आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब दोस्तों जो आपने यहाँ पे स्टोरी बनाया है उसको आपको ये जो डॉट है इस पर आपको रखना है, ठीक है, ये वाला डॉट के मैं यहाँ पे जिस तरह से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आप यहाँ पे जो आप बनाया हो उसको आप यहाँ पे ये जो लाइन है लाइन के यहाँ पे रखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आपका जो ये वाला लाइन है इसको आपको इस वाला लाइन के यहाँ पर टच करवाना है इस टाइप से, देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से किया है सेम टू सेम आपको कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखो तो वीडियो कभी फास्ट होगा, कभी स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे इफेक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एड स्टिकर एंड पीआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको इस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो नीचे में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ऑडियो को ऊपर वाले लेयर में आप ले आइएगा। लाने के बाद वीडियो को अभी आपको प्ले करना है और वीडियो में जहाँ जहाँ पर इफेक्ट होता है उस जगह पर आना है। अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो गाइस आपका यहाँ पर इस जगह पर इफेक्ट होता है, सो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इस जगह पर यहाँ पर आके मैं स्प्लिट एक बार करता हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करूँगा। नेक्स्ट टाइम इस जो इफेक्ट है कहाँ गया, इस जगह पे होता है, सो मैं यहाँ पर एक बार स्प्लिट करूँगा। मतलब इस वाले वीडियो को देखना है और अपने नीचे वाले वीडियो में आपको कट लगा लेनी है। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख, तो मेरे वीडियो के हिसाब से जहाँ जहाँ पर मेरा यहाँ पर इफेक्ट था वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब दोस्तों आपको अपने फर्स्ट वाले कट पर आपको आना होगा। आने के बाद साथियों आप यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्टिंग तरफ में आपको यहाँ पे रहना होगा। अब साथियों आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हो या फिर उस वाले वीडियो के हिसाब से भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना कम रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इफेक्ट होगा, देख सकते हो। अब ओके प्रेस में यहाँ पर कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले टुकड़े पर मैं यहाँ आऊँगा, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा अभी एक्सपेंड को। तो कुछ इस तरह से गाइस मैं अपने वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट है मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद फाइनल आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख, तो सारे जगह मैंने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों जितने सारे आपके प्लस बना उन सारे प्लस के मार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप व्हाइट को सिलेक्ट कीजिएगा और कुछ इस तरह से गाइस जितना हो सके इसको आपको यहाँ पर कम कर देना है। तो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे इफेक्ट होगा। अब आपको अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो फर्स्ट वाला है इसको आप छोड़ के आप इसको नन कीजिएगा, ठीक है, देन ओके प्रेस आपको कर लेना है। अब इस वाले वीडियो का हम यहाँ पे कुछ है नहीं, सो इसको डिलीट करके हटा देना होगा। अब मैं अपने वीडियो को अगर प्ले करके आपको दिखाऊँ तो मेरा वीडियो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी एक बार वीडियो गाइस आप देख दो कितना बढ़िया लग रहा है। और वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 1080 60 FPS और बिटरेट को अपने हिसाब से रख के अपना वीडियो को आप यहां पर सेव कर लीजिएगा। तो गाइस आपने अगर मेरे लास्ट दो वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों जगह पे क्लिक करके आप देख सकते हो। यहीं कहीं पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा, नमस्कार।